से रुस्तगारी नहीं, छुटकारा नहीं, मौत है हंगामा आरा कुलज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। ये एक अटल और तयशुदा हकीकत है, जिन लोगों ने वजूद बारी का इनकार किया, मौत का इनकार उन्होंने भी नहीं किया, इसलिए कि अपनी आँखों के सामने उन्होंने मौत का रक्स देखा है, अपने अजीज़ों को बिछड़ते देखा, कब्रिस्तानों को आबाद देखा कि कितने लोग मिट्टी का रिज्क बन गए। तो मैं और आप भी एक वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारने के बाद कब्र का रिज्क बनने वाले हैं, कबल इससे कि वो वक्त आए हुज्जत बाकी न रहे। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हज़रत इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अल्लाह ने मरने वालों के ज़रिए से पसमानदगान पर एहसान फरमाया है। पूछा गया, एहसान किस माना में है? जिसका बाप चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसका भाई बिछड़ गया, जिसकी औलाद उससे जुदा हो गई, वो तो सख्त सदमे से दो चार है और आप कह रहे हैं उस पर एहसान हुआ। तो फरमाने लगे कि एहसान वही माना कि अल्लाह ने मरने वाले की मौत को पसमानदगान के लिए इबरत बनाया है, और अगर इसके वजूद को उनके लिए इबरत बना दिया जाता तो ये क्या कर सकते थे। तो ये एक और मौका संभलने का दिया है। तो आज मैं और आप अगर गौर करें तो ज़िंदगी में हमसे बिछड़ते हुए लोग हमें कोई सबक दे के जा रहे हैं कि मियाँ हम जा रहे हैं, हमारे पीछे तुम्हारा भी आना होगा। और ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कुछ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं, तो उन्होंने एक दिन इज़राइल से अहद लिया कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासिद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। अम्बिया अलैहिस्सलाम की बातें तालीम उम्मत के लिए होती हैं, वरना वो तो हर लम्हा हर लहजा तैयार हैं, खिता का इम्कान तक भी उनमें मौजूद नहीं है। तो कहा कि मैं तैयारी कर लूँ तो मुझे पहले आगाह कर देना। इज़राइल ने कहा ये मेरा वादा रहा। एक अरसा के बाद हज़रत इज़राइल हाजिर खिदमत हुए, पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़े रू के लिए। कहा तुम्हारा वादा किधर गया? तुमने तो कहा था कि पहले कोई कासिद पैगाम भेजूँगा, तुमने कोई कासिद और पैगाम नहीं भेजा। कहा हज़रत मैंने तो बड़े कासिद भेजे थे, आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़ हुई, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। जब कमर में खम आने लगे, जब याददाश्त खोने लगे, जब चलते हुए ठोकर लगने लगे, जब कवा मुदमहिल होने लगे, जब इंसान चलते हुए लड़खड़ाने लगे, तो समझो पैगाम में मौत आ गया है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे तो एक शख्स आया और खड़ा होकर कहने लगा, या उमर ला तंसा मौतक। उमर अपनी मौत को नहीं भूल, भरे दरबार में खड़े तो उसने ये बात कही तो आप थर थरा के कांपने लगे जिस तरह बेद की शाख कांपती, और उसे कहा कि रोज आके अगर तू मुझे ये जुमला बता जाया कर तो मैं तुझे महीने का मुशाहरा भी दिया करूँगा। वो आता है बरसरे मजलस खड़ा होके बोलता है, उमर मौत को नहीं भूलना, महीने के बाद मुशाहरा भी देते हैं। एक दिन वो आया और उसने ये पैगाम दिया तो हज़रत उमर ने उसे बुलाया और उसके हाथ में मुशाहरा दिया, कहा आज के बाद नहीं आना। कोई और शख्स आने लगा, फरमाया नहीं, तज़कीरे मौत की ज़रूरत नहीं रही, फरमाया नहीं, मुझसे कोई बेअदबी होगी, फरमाया नहीं, तो फिर क्यों मुझे रुख्सत दी जा रही है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रोए और एक अपनी मुट्ठी में अपनी दाढ़ी को लिया और एक बाल अलग करते हुए कहा कि ये देख मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया, अब तुझे आके तज़कीर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे मौत भूलने नहीं देगा, हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाए। मियाँ साहब ने कहा था, हड्डियाँ कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजे भी बदियों बाज ना आयो जियो मरद दलेरा, फमा असवारा हम अलन्नार। अल्लाह कुरान मजीद पे फरमाता है लोगों का आग पर कितना हौसला है, कितनी दलेरी के साथ कह देते हैं ये जहाँ मिठा अगला किसने मिठा, देख लेंगे यार कोई बात नहीं है, जिंदगी है, इस तरह लुत्फ कशीद करो, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा देश। तो कितनी डटाई के साथ ये जुमले बोल दिए जाते हैं, फमा अस्वरहुम अलन्नार, कितना हौसला है लोगों का आग पर। ये वो अटल हकीकत है कि जिससे थर थर
वो लोग जिनकी जिंदगी जिक्र फिक्र में गुजरती है वो भी अल्लाह के खौफ से कांपते। तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजे, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं, खौफ व तमा में रब को पुकारते। जिनकी सारी जिंदगियां जिक्र फिक्र में बसर होती हैं वो भी कहते हैं हमारा अंजाम ठीक हो जाए, हमारा आखिर अच्छा हो जाए। हजरत अबुल आलिया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 30 असहाबे रसूल से मिला हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबुल ईमान में फरमाते हैं 30 असहाब से मिला हूँ, मैंने हर शख्स को अपने अंजाम बखैर के लिए सख्त फिक्रमंद पाया है। रंगा रंग सुहेलियाँ परन कड़े, पर परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या है, उतनी देर तक तो धड़का लगा रहता है, एक मोमिन की जिंदगी है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा से एक बुढ़िया ने पूछा था कि मेरे गधे की दुम अच्छी है या आपकी दाढ़ी अच्छी, तो रो पड़े। कहा, बुढ़िया तेरे सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है, ये कोई जुमला मुझे कहे फिर जाने कहाँ पाए। लेकिन बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा रो पड़े। कहा, यह तो मरने के बाद ही बता सकता हूँ। 72 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, बुढ़िया को ख्वाब में मिले, उसने कहा मेरा सवाल वहीं खड़ा है। कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरा खात्मा ईमान पे हो गया, अब तेरे गधे की दुम को मेरी दाढ़ी से क्या निस्बत हो सकती है। तो बूढ़िया ने कहा कि हजरत बताइए आपके रब ने आपके साथ सलूक क्या किया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाने लगे, जब मैं मालिक के रूबरू पेश हुआ तो मेरे मालिक ने मुझे पूछा, ए बूढ़े बता मेरे पास क्या लेकर आया है। तो मैंने जवाबन अर्ज की, मालिक बादशाहों की चौखट पे जब फकीर आए तो शहनशाह ये तो नहीं पूछा करते क्या लेकर आए हो, बादशाह तो यही पूछते हैं क्या लेने आए हो। मैं लेकर कुछ नहीं आया, तेरी रहमत का सवाल ही बन के आया हूँ। अल्लाह ने बगैर हिसाब के मेरी मगफरत फरमा दी। तो जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या होगा, उतनी देर तक धड़का लगा रहे, डर लगा रहे, ये मोमिन की जिंदगी है। हजरत रुबई बिन हराश सारी जिंदगी नहीं हंसे, फरमाते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या होगा। अजीब उनके ऊपर एक कैफियत तारी रहती। खैर, उनका इंतकाल हो गया तो उनके भाई रबी बिन हराश गसाल को बुला लाए, कहा मेरा भाई फौत हो गया है, इन्हें गुसल दो। तो वो गुसल खाने में दाखिल हुआ तो फौरन पलट आया। तो रबी पूछने लगे, इतनी जल्दी? कहा, यार तेरा भाई बड़ा अजीब है। कहा, हुआ क्या? कहा, नहनो नगतसलहु वहुवा यतबस्समु, हम इसे गुसल दे रहे हैं ये आगे से मुस्कराता है। उसने कहा, इसने ये जिंदगी भर तय किया था कि जब तक अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा मुस्कराऊंगा नहीं, तो आज ये जो मुस्करा रहा है लगता है कि इसका अंजाम बखैर हो गया। इकबाल ने कहा था ना, निशान मर्द मोमिन बात गोइम चू मरग आए तबस्सुम बर लबे उस्त, आ तुझे अल्लाह के बंदे की निशानी बताऊं, जब मौत आती है तो उसके बदन पे और उसके माथे पे नदामत का पसीना नहीं होता, कामयाबी की मुस्कराहट उसके चेहरे पर होती है। तो कहा, इसने कहा था कि मेरा अंजाम बखैर हो गया तो फिर हंसूंगा, उतनी देर तक जब तक ये यकीन नहीं होता मैं हंसूंगा नहीं। खैर, ये खबर पूरे शहर में फैल गई, पूरे बसरे की गलियों में ये तस्करा होने लगा कि एक शख्स मरने के बाद मुस्कराया है। बाज ने कहा, यार बंदा तो नेकता, हो सकता है ये एजाज मिला हो। बाज ने कहा, मुरीदों की घड़ी हुई कहानियां हैं, भला कोई मरने के बाद भी मुस्करा सकता है। एक बहुत बड़ा हुजूम उनके घर की तरफ रुख करता है, कुछ महज तमाशाई हैं, कुछ शौक दीदार में, कुछ तीखे तीखे सवाल लिए उनकी दहलीज पे पहुंचे। इतने में उन्हें गुसल दे के चारपाई पे डाल के कफन भी उड़ा दिया गया था। तो जब ये लोग दाखिल हुए, कबल इससे कि ये कोई सवाल पूछते, तो रुबी बिन हराश कफन से हाथ बाहर निकाल करके आने वालों से मुखातबत करते हुए पे कहता है, अस्सलामु अलैकुम। लोग हैरत में डूब गए, वालेकुम सलाम, अतकल्लमो बादल मौत, अजीब बात है मरने के बाद बातें कर रहे हो। कहा, नाम अतकल्लमो बादल मौत, हाँ हाँ मैं मरने के बाद बातें कर रहा हूँ। लोगों ने कहा, बता तेरे रब ने तेरे साथ सलूक क्या किया, शुक्र है एक मरने वाला बोल पड़ा। लोग सवाल पूछने लगे तो रुबी बिन हराश बोलते हैं, इस्तकबालानी रब्बी गैर गदबान वस्तकबालानी बिरौहिम व रीहान, उसके कुदरत वाले चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, उसने रौह रिहान के फूल मेरे गले में डाले। लोगों ने बातें पूछनी शुरू कर दी, कोई इधर की बात पूछ रहा है, उधर की बात पूछ रहे। इमाम अबू नुएम अल अस्फहानी, जो चौथी सदी के मुजद्दिद भी हैं और अजीम मुहद्दिस भी हैं,
वो फरमाते हैं जब सिलसिला कलाम तूल पकड़ने लगा तो रूबी बोल के कहने लगे, अज्जलूबी वला तुखरूबी लेन्ना अबल कासिम यंतज़िर अलैया सलात, देर ना करो मुझे जल्दी कब्रिस्तान में ले जाओ, तुम मुझे बातों में लगा रहे हो, इमामुल अंबिया मेरे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं। अरश फर